सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। जो कोलाहल हो रहा है उसको रोका जाए ताकि चूंकि आज बहुत बड़ी समस्या आ पड़ी है, आपको मेरी बात को जरा गौर से सुने। अगर प्लीज बच्चों से निवेदन है कि आज सूचना और प्रौद्योगिकी का जो मामला है, लेकिन आज हमारी ये समस्या आप जरा गौर यहाँ पर मेरे पहले जितने भी वक्ता रहे हैं सभी ने अपने विचार रखे और बहुत अच्छे विचार सबके यहाँ पर हम सभी के समक्ष आ चुके हैं। मैं भी उसी पर अपने विचार रखना चाहूँगी। आज का जो हमारा इस विचार गोष्ठी का जो विषय है, टेलीविजन का हमारे बच्चों पर प्रभाव, तो टेलीविजन या इंटरनेट हो, दोनों का प्रभाव हमारे बच्चों पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मैं पहले पॉजिटिव चीजों को बताना चाहूंगी। हम ही लोग अगर किसी सिटी में जाते हैं, किसी अननोन शहर में, अगर हम लोगों की वहां की जानकारी नहीं होती है तो सबसे पहले हम लोग गूगल खोलते हैं, मैप डाला और वहां की लोकेशन डाली और बड़ी आसानी से जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं सारा डेटा उसमें फीड होता है, तो बड़ी आसानी से हम लोग वहां तक पहुंच जाते हैं। पर जो हमारे बच्चे हैं उस पर इसका दुष्प्रभाव भी पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग तो नेट का यूज बड़ी सावधानी से करते हैं पर हमारे बच्चों को नहीं पता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसकी जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स की है, उनके बड़े बुजुर्गों की है, उनके गुरुजनों की है। उनको सिखाना है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक बात बताना चाहूंगी, मेरे व्हाट्सएप में, वैसे मैं ज्यादा व्हाट्सएप यूज नहीं करती हूँ, पर एक वीडियो आया तो उसको मेरे बेटे ने आकर मुझे दिखाया। मेरा बेटा भी छोटा नहीं है, वो भी वो आया उसे स्वामी की बात है। आजकल के जो बच्चे हैं अगर कहें तो कंप्यूटराइज, क्योंकि कुछ भी उन्हें सही होता है। अगर माँ बाप सबसे पहले घर में आते हैं तो वो पहले ये तो पूछेंगे नहीं कि पापा आप कैसे हो या मम्मा आप कैसी हो, आपका मोबाइल कहाँ है, पहले आप अपना मोबाइल दें। तो उसने मुझे जब आगे वीडियो दिखाया, उस वीडियो में पेरेंट्स थे, एक बच्चा था और उसकी दादी था, तो वो बच्चा और उसकी दादी माँ कहती है कि अपने बेटे से पूछती है कि तेरा चश्मा कहाँ है। तो जिस तरह से
उसका बेटा उसका जवाब देता है कि क्या आप अंधी हो गई हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, आपका चश्मा आपके सामने पड़ा हुआ है। तो वो चश्मा उठाकर उदास चेहरा बनाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जब वो लड़का अपने बच्चे से पूछता है, वो भी ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है, वो कहता है बेटा मेरा चश्मा कहाँ है, कह रहा है देखा कहीं, तो उसका आंसर भी वही होता है कि क्या आप बंदे हो गए, आपका चश्मा आपके सामने पड़ा हुआ है, आपको दिखाई नहीं दे। ये चला रहे हैं नशा मुक्ति के लिए, बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नशा का दायरा बहुत बड़ा है, वो कुछ खाने और पीने से बढ़कर अब देखने में पहुंच गया, देखने का नशा इससे भी आगे बढ़ चुका है। और मैं समझता हूं कि मैं यहीं से कुछ बात करूं, लेकिन मैं अपने साथ में मुझे 10 मिनट औरों को नहीं दिए गए, मुझे मालूम है 10 मिनट के अंदर बात करनी है, मैं 2 मिनट इसमें लगाता हूँ कि घर जो हमारी विधायक की बैठी है मैं उनकी तवज्जो चाहता हूँ कि जाहिर है यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों ने आपको एक ऐसी शान की बख्शी है जो बड़ी मुश्किल से लोगों को मिलती है इस क्षेत्र में, और यूपी में तो आपने जीत में दूसरा नंबर पाया है, जाहिर है इसके लिए जोरदार तालियों की बजाई। अग्नि समन के लिए यहाँ पर भूमि शायद आवंटित हो चुकी है, क्षेत्र के लिए है, और पानी की सप्लाई के लिए भी बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन अभी काम शुरू नहीं हुआ। हम समझते हैं कि आप चाहें तो इसमें प्रैक्टिकल, इवन सर ने भी जो कहा वेरी प्रैक्टिकल एंड टू द पॉइंट थॉट सुनके थे। मैं जस्ट एक छोटे से एक इसमें उनको रिवाइज करना चाहूंगी। द फर्स्ट थिंग कि जैसे एक छोटी सी बात है, जब हम लोग छोटे थे तो जैसे
you.